जनपद अमेठी थाना बाजार शुक्ल के अंतर्गत ग्राम व पोस्ट मगरौली का सामने आए। 1 अक्टूबर को रामदास उर्फ रमेश कुमार पुत्र में नक्षेत अपने भतीजे के साथ सुल्तानपुर से अपने घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में मुसाफिर खान के पास चकवे ग्राम के निकट पीछे से स्कॉर्पियो गाड़ी ने ओवरटेक कर रोक लिया। स्कॉर्पियो से 5-6 लड़के निकले और राढ़ाकी से मारने लगे। जब प्रार्थी के भतीजे ने इसका विरोध करना चाहा, तभी अज्ञात लोगों ने कनपट्टी पर पिस्तौल थमा दी। जब तक स्थानीय लोग वहां पहुंचते, देख हमलावर भागने लगे तो एक का मुंह से गमछा खुल गया, जिससे उसकी पहचान कृष्ण कुमार पुत्र श्याम किशोर ग्राम विश्वर पट्टी थाना बाजार शुक्ल को रमेश ने पहचान लिया। तब तक रमेश कुमार को दबंगों द्वारा मारपीट कर लहूलुहान कर उसका सैमसंग का मोबाइल व 5060 लेकर धमकी देते हुए फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार ने FIR कर घर पे बैठा था, लेकिन पहचान होने की वजह से विपक्षी लोग थाना बाजार शुक्ल में शिकायत किया है कि मुझे रमेश ने डराया है, जिससे मामले की जांच करने आए हल्का दरोगा ने वर्दी गर्मी दिखाते हुए मार खाए पीड़ित रमेश को उठाकर ले गए। पूरी रात थाने में बिठाने के बाद पीड़ित को छोड़ दिया गया, लेकिन उस दिन से आए दिन पीड़ित रमेश को हल्का दरोगा परेशान करता रहता है। पीड़ित कोतवाली मुसाफिर खान का बाजार शुक्ल में तहरीर देकर न्याय की भीख मांग रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामदास रमेश कुमार है। क्या मामला है जो आप परेशान नजर आ रहे हैं? हम सुल्तानपुर से आ रहे थे अपने घर की तरफ को, तो हमें मुसाफिर खाना के पास एक कोतवाली के पास में एक चकबहर गांव पड़ता है, वहां पे स्कॉर्पियो सवार 5 लोग आए और अचानक हमें मारना शुरू कर दिया। मारते मारते एकदम गिरा दिया, हमें जो है मोबाइल छीन लिया, 5060 रुपये उसमें रखा था उसको ले लिया। और मारने के बाद हमको रास्ते वाले सब कोतवाली लेके गए। एक लड़का हमारे साथ में था, हमारा भतीजा, वो भी चिल्ला रहा था, तो उसके ऊपर पिस्टल लगा दिए कि चिल्लाओगे तो गोली मार देंगे। तो किसी तरह से रास्ते वालों ने हमारी जान बचाई। उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद हम घर को गए। घर 2-4 दिन बीता तो शुक्ल बाजार थाना के मतलब अधिकारी लोग जो हैं प्रशासनिक, ये लोग हमारे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाते हैं, हमारे घर में बार बार दबिश देते हैं, परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें प्रताड़ित किया जाता है। कितने दिन तक हम लोग घर भाग भाग छोड़ घर छोड़ के भागे,